हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट्स। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं वो है नागपुर डुरंटो एक्सप्रेस ट्रेन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 7:20 पे नागपुर पहुँचाती है। सो तो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 833 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 11 घंटे में एक हॉल्ट के साथ। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे और अपनी नागपुर दुरंतो प्लेटफॉर्म नंबर 18 से ही निकलती है और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं स्लीपर क्लास में। जी हाँ, मतलब फास्ट भी जा रही है क्लास में। कितने गेट की सफर है? 11 है S3। ये क्यों रही अपनी सीट 35 अपर बर्थ। तो चले सबसे पहले लगेज को रखते हैं अंदर। अच्छा, ये मास्क हमेशा दो पानी का बोतल, दो पानी का बोतल लिया और दो अमूल। तो अपनी जो जर्नी है नागपुर दुरंतो में WAP-7 अंजनी का WAP-7 लोकोमोटिव के साथ होने वाला है। टाइम हो रहा है रात के 8:10, 5 मिनट में अपनी ट्रेन निकलने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 18 से। वैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि है पिलर नंबर 26। चलिए मैं आपको ये स्कैम दिखाता हूँ, 5 मिनट का समय है। इतना प्यारा प्लेटफॉर्म ठीक है। तो वॉलेट का सीन क्या है ना कि अगर आप मुंबई है वॉलेट का चार्ज है 5 रुपया और अगर आप स्नान कर लिएगा उसका चार्ज है 15 रुपया, लेकिन यहाँ पे यूरिनल का चार्ज दिया जा रहा है मेल से भी फीमेल से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ज। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यूरिनल फ्री, ये देखिए लिखा हुआ है ना। और आंटी जो है 5 रुपये चार्ज कर रही है, क्या करे भाई, महिला है, मुंह लगाना सही नहीं बनता है, लेकिन ये फ्री होता है तभी 5 रुपया चार्ज कर रहे हैं। हमने मतलब आज से लगभग 2 साल पहले भी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे इसके लिए एक वीडियो बनाया था छोटा सा, वो हमने फेसबुक पे अपलोड किया था। अगर आप भी ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, अगर स्टेशन पे अगर आपका यूरिनल का चार्ज लिया जा रहा है वो सरासर गलत है। आप देख लीजिए फ्री है फिर भी चार्ज लिया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में तो दोनों फ्री है भाई, यानी कि बाथरूम पूरा फ्री होता है। ये भी फ्री है ना, वो यूरिनल फ्री। तो सफाई का पैसा तो जो है यूरिनल जो है 5 मत फ्री लिखा हुआ है। नहीं, आपने बोला हम लेंगे पैसा, जानकर महिला को बैठाया जाता है यहाँ पर कि कोई इसे बहस नहीं करता। 5 रुपये सब लोग दे के चल जाते, सोचते हैं 5 रुपये कौन सी बड़ी चीज़ है, लेकिन यही 5 रुपया आप नहीं समझते हैं। गरीब लोगों के लिए 5 रुपये बहुत मैटर करता है। तो बस यही है, चलिए कुछ देर में ट्रेन अपनी निकलने वाली है, बस यही दिखाना था, क्या ही बोले इनको। तो आप सतर्क रहिएगा, स्टेशन पर जाते हैं तो चार्ज यूरिनल का चार्ज नहीं दीजिएगा। हाँ, वॉलेट जाना उसका चार्ज दीजिए 5 रुपये, स्नान करना 15 रुपये, ठीक है, गलत हो रहा है तो क्या किया जा सकता है। चलिए अपनी ट्रेन निकलने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्टमेंट। काफ़ी स्मूथ है। हाँ, हर मुंबई है। अच्छा, ट्रेन कोई हिल भी नहीं हो, कैमरा फुल फुल ट्रेन की जो प्लेटफॉर्म ना वो भी मेरे ख्याल से बहुत बहुत सर मेरे रेलवे लाइन तो हाँ लाइन सही हो ना, और ट्रेन भी अगेन इट्स मुंबई। शायद पत्थर वत्थर ये कुछ आते होंगे। नहीं, पत्थर से तो मतलब वो क्या होगा तोड़ देते हैं।
ट्रेन बहुत ही क्योंकि इधर पत्थर होती भी नहीं है, तो प्लेटफॉर्म की जगह है यार। इनके प्लेटफॉर्म पे लाइटें बहुत अच्छी लगाई है, बहुत ज्यादा पूरा लाइट अप। अच्छा कहाँ तक जा रहा है आखिर तक ये लोग बैठे हुए? और पूरे में शेड है, कोई एक भी ऐसी जगह नहीं थी। सुबह का भी टाइम हो रहा है रात के 8:40 और जैसा कि आप सभी को पता है कि दुरंतो प्रीमियम ट्रेन है तो इसमें पेंट्री की सर्विस होती है, लेकिन ये जो दुरंतो है ना अपनी नागपुर दुरंतो इसमें पेंट्री कोच नहीं है क्योंकि ये ओवरनाइट जर्नी है, मतलब लगभग 833 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेन कवर करती है, तो इसमें पेंट्री सर्विस आपको नहीं मिलेगी। मैक्सिमम पैसेंजर क्या करते हैं जो इस ट्रेन में जर्नी करते हैं, घर से ही खाना लेकर आते हैं। बाय द वे अगर आप घर से खाना नहीं लाते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया सा ऑप्शन मैं बताता हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जैसे ही आप अंदर एंट्री कीजिएगा ना तो वहाँ पे एक नमा वेटिंग लॉन्ज है, नमा वेटिंग लॉन्ज, ठीक है, तो वहाँ पे आप खाना ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से खाना पैक भी करवा के ला सकते हैं। तो हमने वहीं से खाना पैक करवाया, एक वेज थाली और एक वेज बिरयानी, ठीक है। वैसे वहाँ पे बहुत सारा फूड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि नमा वेटिंग लॉन्ज में फूड का क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। एक वेज मील है और एक वेज बिरयानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोले भटूरे आपको मिल जाएगा, मिसल पाव मिल जाएगा, वेज बिरयानी 120 का, वेज मील, पूरी भाजी और वेज बर्गर, वेज पैटीज, वेज रोल, स्पेशल लंच थाली, मैंने की है ये सब चीजें मैंने की है। फ्राइड राइस जिसे लगभग हर फ्राइड राइस तो अलग चीज है। अच्छा उसमें चिकन होता है? हाँ, लेकिन फ्राइड राइस तो थोड़ा कड़वा होता है ना, चाइनीज का। बिरयानी तो स्पाइसी होती है। वेज बिरयानी कैसे? वेज बिरयानी जिस तरह बिरयानी की तरह जैसे आलू डाल दो, मटर वगैरह उसमें डाल सकते हैं। अच्छा विंडो का स्टाइल बिल्कुल अलग है ना, वॉशरूम बंद था, थोड़ी छोटी है ना की ट्रेन में थोड़ी बड़ी हुई थी। हमारी ट्रेन में असल में एक ही होती है ना, इधर मेरे ख्याल से दो हैं। हाँ, दोनों साइड। और जो दूसरे वीडियोस पे हमने रिएक्शन दिया था ब्रेक को, उनकी तो बहुत बड़ी होती है और वो बहुत अच्छी होती है। ये सब चीजें हम दिखाते हैं, 80 की थाली को ये लोग 120 में बेचते हैं, 15 का रेली 20 में बेचते हैं, जबकि ट्रेन में क्या है रेली नहीं अलाउ है, लोकल पानी बेचा जाता है। ये जो चीज है ना हम हर वीडियो में उठाते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि आप लोग रेल नीरी पीजिए, MRP के हिसाब से ही पे कीजिए, ठीक है, जो थाली का प्राइस है उसी हिसाब से लीजिए। अगर नहीं दे ही नहीं रहे तो फिर कैसे हो करें? नहीं तो पैसा नहीं, फूड फ्री है, ऐसा रूल है रेलवे का। तो अभी क्या है कि हम लोग का जो सीट है ना अपर बर्थ है, इसलिए सोचे पीजी सर को रिक्वेस्ट करके साइड लोअर लिए हैं, क्योंकि भाई आपको पता है कि मेरा फेवरेट सीट साइड लोअर है, तो साइड लोअर जो है ना S1 कोच में अवेलेबल है, तो वहीं अभी जा रहे हैं अपने सीट पे। और जाते हैं क्योंकि साइड लोअर इसलिए लिए हैं क्योंकि रात में जो है ना क्रॉसिंग वगैरह दिखाएंगे, ओवरटेक दिखाएंगे, जो भी मिलेगा वो दिखाएंगे, रात का नज़ारा साइड से। सो गाइस तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9:40 और तो हम लोगों ने जो डिनर लिया था नमा वेटिंग लॉन से, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या लिया था। एक वेज बिरयानी लिए थे, एक वेज थाली लिए थे, तो ये इनका पैकिंग है। ये जो देख रहे हैं ना ये है वेज बिरयानी जो कि मुझे पड़ा वहाँ 120 का, और इस वेज बिरयानी का खासियत अलग है, जो ट्रेन में जो वेज बिरयानी 100 का दिया जा रहा है वो और इसमें ना जमीन आसमान का अंतर है। हम वहाँ खाए हैं इस वजह से हमने वहाँ से लिया। इसमें आपको ग्रेवी दिया जाएगा पनीर के साथ, पनीर ग्रेवी इसमें दिया गया है, साथ ही इसमें सलाद का भी आइटम है, और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें है। अच्छा, मैंने कभी पनीर नहीं खाया, मैंने खाया था। देखिए ये है वेज बिरयानी और मैं आपको दिखाता हूँ, वो तो नहीं होता जो क्यूब्स होते हैं, ये देख रहे हैं पनीर का टुकड़ा देख रहे हैं, पनीर बिल्कुल सॉफ्ट। तो इसमें पनीर दिया गया है वेज बिरयानी में, साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं अचार भी दिया गया है, सलाद भी दिया गया है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो बिरयानी में ड्राई फ्रूट्स, तो ये जो है ना वेज बिरयानी इंडिया में 120 का, वैरायटी ऑफ हमने ट्राई किया था सुबह में, हम यही खाए थे वहाँ पे, इस वजह से हम ले आए। तो आप जर्नी करते हैं तो ये चीज़ जरूर ट्राई कीजिएगा वहाँ का, साथ ही
वेज थाली भी है जो कि सिर्फ 100 रुपया की है, यहाँ दिया जा रहा है 150 में, और यहाँ का क्वालिटी वहाँ के क्वालिटी में कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग की ट्रेन पहुँच चुकी है इगतपुरी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे जो है इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, पीछे जो है ना कसारा घाट में अपने ट्रेन के पीछे में जो बैंकर लोगों को अटैच किया गया था उसको यहाँ पे किया जाएगा डिटैच। बीच में कसारा घाट सेक्शन था तो अंधेरा में क्या ही दिखाए, आपने वैसे देखा होगा लास्ट ब्लॉग में कसारा घाट सेक्शन। हाँ, अगर मैं बात करूँ खाने पीने की तो भाई इसमें पेंट्री कोच नहीं है, हमने आपको पहले बता दिया, लेकिन आपको कसारा घाट रेलवे स्टेशन पे वड़ा पाव वगैरह मिल जाएगा, पानी का बोतल वगैरह मिल जाएगा। ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है लेकिन बाहर के वेंडर लोग आके बेचते हैं। और देखें यहाँ पे स्टेशन पे टाइल्स फिटिंग का काम चल रहा है, अच्छा टाइल्स नहीं मार्बल होते हैं क्योंकि मार्बल पे फिनिशिंग होती है। हाँ पाकिस्तान में इस तरह होते हैं लैम्प्स, हाँ इस तरह थोड़ा ओल्ड फैशन अच्छे लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं, हाँ क्यों थोड़े ज़्यादा ब्राइट होते हैं इस वजह से, बाकी ये भी सही है। काफ़ी अच्छी स्पीड से जा रही है यार, बहुत स्मूथ है यार। अगर नोटिस किया 800 बताया था 800 किलोमीटर का रास्ता है, स्लो जाएंगे तो इतना या शायद कैमरे स्टेबल हो इस वजह से, नहीं मतलब नहीं नहीं देख वो हिल रही थोड़ी 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 कैमरा तो आज कल स्टेबल ही होते हैं, काफ़ी स्टेबल हो सकते यार। ट्रेन हिलती है थोड़ी बहुत, वो बुलेट ट्रेन होगी वो अलग बात है, वो शायद नहीं हिलती होगी, पटरी पे चलने वाली सारी काफ़ी बढ़िया है, पाकिस्तान में भी इतनी होती है। अच्छा इनकी कितनी लंबी ट्रेन कितनी है, मुझे लगता है 19-20 हमारी भी थी, तो फिर क्यों हमारे भी प्लेटफॉर्म इतने नहीं है। मैं ये वाला मुंबई के बहुत बड़े, हमने दूसरे इंडिया में भी दूसरे ट्रेन पे वीडियो उस पर रिएक्शन दिए हुए, लेकिन वो इतने बड़े नहीं है, मुंबई की है मतलब, ये मुंबई की नहीं थी, ये मुंबई की थी नहीं, या बीच में। अभी ये देखो ना एक जंक्शन, अच्छा अभी देखिए कोई और जंक्शन आ गया वैसे, मतलब इस रूट में ज़्यादा देखो, ये भी बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म, हम लोग की इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी नहीं होती मतलब थोड़ी बहुत के ऊपर वो भी दिया हुआ है, देख लाइट्स कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब खुद ही देखो यार चलती जा रही है। फैजान ये अगर नोटिस किया जाए कितने कमरे हैं, कितना वो ये देखो बहुत लंबा है, खाली देखो अभी तक जा रही है प्लेटफॉर्म अभी तक। क्या कोई और प्लेटफॉर्म आ गई, ये तो मुझे लगता है मुंबई से काफ़ी दूर आ गए फिर भी, हाँ बहुत कि नहीं, थोड़ी नॉर्मल लग रही है। और ये सारे प्लेटफॉर्म सिमिलर होते हैं तकरीबन, हाँ यार उसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, 2 बजे रात के 2:12 गाइस। तो लगभग 440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का ऑफिशियल पहला हॉल्ट भुसावल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BSL, और यहां पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 25 मिनट डिले। भुसावल जो है ये आता है महाराष्ट्र में, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 9। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1860 और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1969 में, और भुसावल जो है ना ये जाना जाता है बनाना कल्टीवेशन के लिए, साथ ही ये जो सिटी है ना मेजर एक्सपोर्टर है बनाना का मतलब केले का। तो चलिए मैं आपको कुछ कंपोजिशन और फेयर के बारे में बता दूँ, तो अपनी नागपुर दुरंतो जो है मुंबई नागपुर दुरंतो एक फर्स्ट एसी कोच के साथ चलती है, साथ ही 3 सेकेंड AC का कोच है इसमें, और 9 3rd AC का कोच है, और 8 स्लीपर कोच है। तो मैं फेयर की बात करूँ स्लीपर क्लास का, मुंबई से नागपुर का अगर आप स्लीपर क्लास में जर्नी करते हैं फेयर आपको पड़ेगा लगभग 700 रुपया, अगर आप 3rd AC में जर्नी कीजिएगा मुंबई से नागपुर का फेयर पड़ेगा लगभग आपको 1400। अच्छा मतलब वो नहीं होता, अपने अलग केबिन्स नहीं होते, घर से लाना होगा, नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो यार, प्राइवेसी के लिए वो बेटर है, लेकिन वैसे ये भी सही है भुसावल।
और यहाँ वैसे इसका यहाँ पे आने का टाइम था 1:55 सुबह में, और पहुँचाई है 20 मिनट डिले। और भाई टी शर्ट पहन के सो रहे थे, चादर लपेटे हैं फटाफट क्योंकि ठंड लग रहा था, और आए आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको डिपार्चर। यार ये अच्छी चीज़ वो है कि उन्होंने ये बताया कि खाना पहले से ही लेना है, क्योंकि बाद में फिर आपको यहाँ महंगा देंगे ट्रेन में। वो ब्लॉगिंग इसलिए करते हैं कि सबको पता चले, सबको पता चले, पता चल जाए अपने साल क्या हो, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू अवॉइड। ये वही हो पाक ईरान वाला नहीं तो वाइल्ड लाइफ है वो भी इसी तरह गाइड वीडियो पीछे भेज दिया, उसमें भी इसी तरह है। मतलब गाइड करने, मतलब अगर कोई दूसरा बंदा कर रहा हो ना तो उसको पहले से गाइडेंस, पहले से गाइडेंस ये होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 कृपया कितना अच्छा लग रहा है, वो पुराने वो शुरू से इस तरह और आवाज़ बहुत क्लियर है। मॉर्निंग गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:15, तो 5 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं नागपुर। अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन जो है आउटर पे है, तो चलिए फटाफट मैं आपको इस ट्रेन का मतलब नागपुर दुरंतो, मुंबई नागपुर दुरंतो का वाशरूम का कंडीशन दिखाता हूँ, स्लीपर क्लास का। देखिए वाशरूम जाने से पहले सामने आपको मीटर दिखेगा, ये रहा वाटर डिस्पेंसर बेसिन, पानी वगैरह आ रहा है पूरी जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये रहा डस्टबिन, इधर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ भी डस्टबिन है, और ये जो टॉयलेट है ना बायो वैक्यूम टॉयलेट है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर बायो वैक्यूम टॉयलेट, बहुत अच्छे होते हैं, उस पानी नहीं लगता ना। फिर तो काफी मॉडर्न ट्रेन है यार, दोनों तो अच्छी पड़ी है। अभी हम लोग आ चुके हैं इंडियन स्टाइल वॉशरूम में, और जैसे ही वॉशरूम में आते हैं तो देखिए सामने आपको देखने को मिलेगा मिरर, इधर ये वाटर डिस्पेंसर, ये लाइट कट गया यार। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर, और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचा गया है बिल्कुल ऑन टाइम। आपने देख लिया ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ, साफ सफाई की या कोच की, कोच का साफ सफाई बढ़िया था, वॉशरूम का कंडीशन का भी साफ सफाई बढ़िया था, स्लीपर का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वॉशरूम में लिक्विड सोप नहीं था, ठीक है। मैं अभी गया था, हमने चेक किया, वैसे हमने यूज़ नहीं किया है, लेकिन अभी जस्ट गए थे चेक किए जब ट्रेन हम लोग की पहुंची नागपुर, तो क्या है ना कि अंदर का लाइट बंद कर दिया गया अभी, क्योंकि ट्रेन आके रुकी उसका लाइट बंद हो गया अंधेरा, तो हमने आपको दिखाया नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको वॉशरूम का कंडीशन सही है, एवरेज है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि लिक्विड सोप आपको स्लीपर क्लास में कहीं भी देखने को ना मिलेगा, इवन थर्ड एसी कोच में के वॉशरूम में भी लिक्विड सोप नहीं है। वो पैसेंजर कल रात में बता रहे थे ना वही कहानी, और हमने जाके भी चेक किया है तो सही में थर्ड एसी कोच में भी लिक्विड सोप नहीं है। चलिए वैसे जर्नी एक्सपीरियंस मिला जुला रहा, खाने पीने का हमने आपको सीन बता ही दिया है, तो प्रीमियम ट्रेन लेकिन खाना पीना आपको नहीं मिलेगा, टिकट प्राइस में खाना पीना इंक्लूड नहीं होगा। हाँ लेकिन अब घर से भी नहीं है, ये दूसरा ऑप्शन जो हमने आपको दिया ट्रेनों में नहीं रखते, जो लॉन्च के बारे में हमने बताया, क्योंकि लॉन्ग रूट ट्रेन है ना, इसपे फर्स्ट क्लास खाना वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हम वहाँ रह के दो टाइम खाना खा चुके हैं, और फिर वो देखते हैं कि उस एरिया के लोग क्या करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू, प्यार करते हैं आपसे, हम भी करते हैं अपने व्यूअर्स से। वैसे ये वीडियो तो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ के बारे में बता दिया, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो खाना हो, चाहे क्योंकि जो लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके हमारे तो नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाएगा कि मिसाल के खाना पहले से लेना है, और ट्रेन का कितना घंटे का सफ़र है, क्या हो सकता है, क्या कहाँ कहाँ ट्रेन रुकेगी। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप था जो उन्होंने बताया। तो और दूसरी तरफ अगर देखा जाए सफाई की, तो उन्होंने कहा कि सफाई जो है, चाहे वो बाथरूम की, वो एवरेज थी, और ओवरऑल बाकी सीटिंग वगैरह अरेंजमेंट बाकी वो तो मुझे अच्छे लगी, और इन्होंने भी कहा कि सही थे, और जो ट्रेन भी थी वो अपने टाइम में पहुँची है, कोई 5-10-15 मिनट से तो डिले हुए, वो इतना वो नहीं होता।
तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छी थी, थैंक यू। बिल्कुल यार, ट्रेन मतलब इतनी लंबी रूट की जो ट्रेन होती है उसमें मतलब थोड़ी बहुत ड्रॉबैक्स होती है, लेकिन वो इतनी इसमें इतनी ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक्स नहीं थी, माइनर थोड़ी बहुत थी। लिक्विड सॉफ्ट ये मतलब वो चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेन का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। मतलब खुला था उस नाइट टाइम, मतलब उसकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट थी, अंदर इतने मामूली से लाइट भी नहीं लगाए हुए थे और ज़्यादा स्टेबल थी, अच्छी स्पीड पर जा रही थी। मतलब 800 किलोमीटर्स की जो डिस्टेंस है वो मतलब इतने मतलब ज़्यादा 11,000 लगी है मेरे ख्याल से, तो देखा जाए तो सही है मतलब एक हद तक। तो खाने की फैसिलिटी वैसे नहीं थी, तो ये अच्छा हुआ भाई साहब ने मतलब जिन जिनको भी इसको यूज़ करना होगा उनको पता चल गया, अभी वो अपने मतलब प्रिपरेशन करेंगे। ये इसका अच्छा पॉइंट था, पता चल गया। वैसे ब्लॉग का मीनिंग भी ये होता है ताकि व्यूवर्स को गाइड करे, तो ओवरऑल वीडियो को देखकर बहुत मज़ा आया। बहुत ही अच्छे से वीडियो को बनाया गया था, जिस तरह डिटेल्स दे रहे थे वो और जितनी मेहनत की वो नज़र आ रही थी और जिस तरह की फैसिलिटीज़ एक ट्रेन में होनी चाहिए। ठीक था खाना वगैरह, चलो नहीं था इसमें, लेकिन हर ट्रेन में तो गवर्नमेंट दे भी नहीं सकती, और इतना ज़्यादा यानी कि चीज़ों को मेंटेन रखने का भी फिर मसला हो जाता है, और लोगों को भी देखते हैं कि कैसे वो लोग आ रहे हैं। और जैसे 11 घंटे की छोटी सी जर्नी है, नाइट ट्रेन थी, तो उसमें इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि बंदा खाना खा कर आ जाए और सुबह नाश्ता तो उसने अपने शहर में करना ही है। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और स्टेशन बहुत खूबसूरत और ट्रेन भी बहुत अच्छी लग रही है, रेड कलर थी, जिस तरह की राजधानी ट्रेन है उस तरह की है। और मुझे इंडिया में ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि इन्होंने एक ही नाम पर इतनी सारी ट्रेनें चलाई हुई हैं कि राजधानी एक्सप्रेस है, वो मुंबई के लिए भी है, वो इधर के लिए, वो उधर के लिए भी है, उसी तरह दुरंतो है। तो अगर आप इस तरह के हमारे और रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन सी दुरंतो पे रिएक्शन चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबा दीजिएगा घंटी टिंग करके, और नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, आपको जो भी ओपिनियन है हम उसको पढ़ेंगे और उसके ऊपर काम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।